महापुरुष समझाया करते थे, जब गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी से कहा कि संगत आई है, बहुत सेवादारों से कहा, अपने बेटों से कहा कि वो दरख्त है उसे थोड़ा हिलाओ, मिठाइयाँ गिरेंगी, संगत खा लेंगी, पेट भर जाएगा। सब हैरान हो रहे हैं कि गुरु नानक पातशाह को कुछ हो गया है, पेड़ से कोई मिठाइयाँ गिरती हैं। पर जब सबको कहा, कोई उठ के नहीं गया पेड़ हिलाने, जब भाई लहना जी तरफ देखा वो उठ के चलने लगे, लोगों ने आवाज़ दी, अरे कभी पेड़ से भी मिठाइयाँ गिरती है, तुम भी किसके कहने पे जा रहे हो? तो भाई लहना जी जो आगे चल के गुरु अंगद देव जी बने, उन्होंने क्या जवाब दिया? कहने लगे, मेरा काम है हुक्म मानना, गुरु ने कहा जा, पेड़ हिलाए मिठाइयाँ गिरेंगी, मिठाइयाँ गिरे या ना गिरे वो गुरु का काम, मेरा काम है पेड़ हिलाना। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। गुरु ने कह दिया अमृत वेले उठ, हमारा काम है अमृत वेले उठना। गुरु ने कह दिया इस प्रकार से जीवन जीना है, हमें इस प्रकार से जीवन जीना है, हमें सवाल नहीं पूछना है यहाँ पर। और जो सवाल नहीं पूछते, गुरु का हुक्म मानकर उस पर चल पड़ते हैं, उनके पेड़ों को फल लगते हैं, मिठाइयाँ उनके पेड़ से गिरती हैं, इच्छाएं उनकी पूरी होती हैं, मुरादें उनकी पूरी होती हैं जो गुरु पर विश्वास करते हैं। हमारी कमाई को फल नहीं लगते क्योंकि विश्वास नहीं है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। आधे अधूरे मन से उठते हैं, आधे अधूरे मन से बैठते हैं, आधे अधूरे मन से पाठ करते हैं, सारा कुछ आधे अधूरे मन से, और फल चाहिए पूरा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।